अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने देखा थंबनेल के अंदर और टाइटल के अंदर, नाइटफॉल के मसाइल। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई, मेरे बहुत सारे नौजवान भाई ऐसे हैं जिनको इस मसाइल के बारे में पता नहीं है, और उनको इस मसाइल के नामालूम होने की वजह से जब उनको रात के अंदर नाइटफॉल हो जाता है, अहतलाम हो जाता है, तो वो यूं ही घूमते हैं, या तो अपनी पैंट या अपनी लुंगी बदल लेते हैं और उसके बाद बिना गुसल किए वो यूं ही पूरा दिन घूमते रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि इसकी वजह से इंसान के ऊपर गुसल वाजिब हो जाता है। और बाज मेरे वो भाई हैं जो जिनको पता है कि अहतलाम होने के बाद, नाइटफॉल होने के बाद गुसल करना चाहिए, लेकिन वो गुसल तो करते हैं लेकिन उनका गुसल सही नहीं हो पाता, उनको गुसल के फ़राइज़ याद नहीं या तो गुसल के सुन्नत याद नहीं, जिसकी वजह से उनका गुसल भी सही नहीं हो पाता। वो ये बज़ाहिर ये तो सोचते हैं, बज़ाहिर उनके जिस्मों से, उनके बदन से नजासत तो ज़ाहिल हो जाती है, लेकिन वो हकीकतन पाक नहीं हो पाते क्योंकि उनको गुसल के फ़राइज़ ही याद नहीं है। जब गुसल सही नहीं होगा तो बदन भी पाक नहीं होगा, और बदन के नापाकी के साथ अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज भी नहीं होगी, और अगर हम कोई नेक काम करेंगे, कोई दीनी काम करेंगे, तो वो सारे काम बेकार चले जाएंगे और बल्कि सवाब की बजाय उल्टा गुनाह मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नाइटफॉल के बाद, अहतलाम होने के बाद इंसान को क्या करना चाहिए। अफजल तरीका तो यह है, जैसे इंसान को अहतलाम हो जाता है, अक्सर लोगों की आँखें खुल जाती है, तो उसको फ़ौरन ही गुसल कर लेना चाहिए, यह अफजल और बेहतर है। और अगर कोई उस वक्त न करना चाहे तो फजर से पहले पहले ही नहा धोकर, पाक साफ होकर तैयार हो जाए फजर की नमाज के लिए, ये सही तरीका है। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई वो हैं जो गुसल नहीं करते और यूं ही फिरते रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि उनका बदन अभी नापाक है, और खुदा ना खास्ता अगर इस हालत में मौत आ गई तो क्या होगा। अब बात यह आती है कि गुसल किस तरीके से किया जाए, गुसल के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, सुन्नत कितनी है, और गुसल करने का सही तरीका क्या है। तो जिन लोगों को गुसल के फ़राइज़ और उसकी सुन्नतें मालूम नहीं है और गुसल करने का सही तरीका मालूम नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है अलग से पूरी तफसील के साथ, वो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि गुसल किस तरीके से करना चाहिए। अब एक मसला यहाँ पर यह भी आता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रात के अंदर जब सोते हैं, सोने के बाद उनको ख्वाब दिख जाता है, कोई बुरा ख्वाब दिखता है, देखने के बाद वो किसी के साथ, अपनी बीवी के साथ वती कर लेता है, कर लेने के बाद जब सुबह वो जागता है तो उसके जिस्म पर, उसके कपड़ों पर निजासत का कोई असर नहीं होता, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उनके ऊपर गुसल फ़र्ज हुआ या नहीं। तो अगर रात के अंदर आप कोई ख्वाब देखते हैं, किसी के साथ वती करते हैं, जिमा करते हैं, और उसके बाद अगर आप जब सुबह आपके आँख खुलती है, तो अगर आपके कपड़ों पर या आपके बदन पर निजासत का आसार नहीं है, आपको यकीन है कि आपके बदन पर या आपके जिस्म पर निजासत नहीं है, तो आपके ऊपर गुसल फ़र्ज नहीं हुआ। गुसल तो उस वक्त फ़र्ज होता है जब मनी शहवत के साथ कूद कर निकले, और मैंने वीडियो बना रखी है कि किन चीज़ों से गुसल फ़र्ज होता है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वो बातें हैं जो मेरे बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।